भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ऐतिहासिक दिन था। चार राज्यों के चुनावी नतीजे जो आए उसमें से तीन राज्यों में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया और उसके बाद लगातार पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहा है। इस बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी पीछे नहीं रहे और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। देखिए कांग्रेस के लोकल नेतृत्व उन्होंने अहंकार में इस चुनाव को हारा। एक तो भूपेश बघेल जी कॉन्फिडेंस बहुत हो गए और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अहंकार बहुत हो गया। तो आगे भी बना लीजिएगा जहाँ पर कांग्रेस पूर्णतः कांग्रेस नेतृत्व ने चुनाव लड़ा नीचे से स्तर तक, वहाँ पर चुनाव जीत गए। राजस्थान में यदि पहले से नहीं होता मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई होती या पहले से गहलोत साहब और उनके बीच झगड़ा नहीं होता अब पायलट जी के बीच, तो आपको ये देख लीजिए कितने नजदीक की बात होगी। छत्तीसगढ़ चुनाव हारने का कोई मतलब ही नहीं था, तो अब इस पर तो समीक्षा होगी ही। मेरा सवाल बहुत क्लियर है कि अहंकार को हम सबको छोड़ना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना पड़ेगा। आगे जो 24 का लोकसभा है, अभी से हम लोग को जो जिस सीट पर सांसद जीत सकता है, जहां से सर्वे आता है कि यही सांसद यहां से जीतेंगे, उन्हीं को टिकट दिया जाना चाहिए। मोदी की गारंटी जो है वो तीन राज्यों में कामयाब हो गया, इसके लिए कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। मोदी की गारंटी? हाँ, मोदी की क्या गारंटी? मोदी जी ने कोई गारंटी नहीं दिया, मोदी तो चुनाव ही नहीं प्रचार करने गए। तो आखिर मोदी का चेहरा भाजपा ने रखा था? भैया मोदी जी का तो मध्य प्रदेश में चुनाव भाई भाजपा थी ही नहीं, मोदी जी वो तो दूर रख दिया, उन्होंने तो शिवराज चौहान पर चुनाव लड़ा। कैसी बातें आप कर रहे हैं, यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया पर वसुंधरा राजे जी पर चुनाव लड़े मोदी, और तो मोदी जी ने पर लड़े ही नहीं। अब देखिए तेलंगाना में कांग्रेस जीती और कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ी, ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस, हाँ निश्चित रूप से चुनाव हारा है तो हारे हैं, तो इस पर समीक्षा की जरूरत भी है। और 2024 में अभी से हम लोग को मजबूती से 3 महीने लग जाने होंगे और उसके बाद जो कैंडिडेट जहाँ जो पार्टी जहाँ मजबूत है उसकी वहाँ पर कंप्लीट रूप से उसको ले करके उसको उस सीट पर चुनाव लड़ाना चाहिए। अहंकार को खत्म कर देना चाहिए और बिहार में भी अहंकार को खत्म करना जरूरी है। मैं लालू यादव जी नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट में मत आइए कि 75% आरक्षण या जातीय जनगणना, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। हम सबको इकट्ठे मिलकर के चुनाव लड़ना होगा और तभी हम 2024 में शीर्षक दे पाए। आपने किस तरीके से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कांग्रेस पर सीधे सीधे निशाना साध दिया और उन्होंने बताया कि आखिरकार कांग्रेस की हार क्यों हुई है चार राज्यों में से तीन राज्यों में। आपको बता दें कल का दिन काफी ऐतिहासिक था, सुबह से लगातार सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई थी और जिस तरीके से करीबन 2 बजे तक जो रुझान था वो साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी तीन राज्यों में अपना परचम लहराएगी। अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के इस बयान के बाद क्या कुछ सियासी सरगर्मी निकलती है ये तो देखना लाजमी रहेगा। बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप IBTV देख रहे हैं। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।